हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंकिता। सो आज हम लोग इंडोक्राइनोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारे क्या है, हार्मोन सिक्रेशन, ट्रांसपोर्ट एंड क्लियरेंस फ्रॉम ब्लड। सो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा सिंथेसिस ऑफ हार्मोन देखा एंड सिक्रेशन का थोड़ा सा पार्ट देखा था, जैसे कि प्रोटीन में, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में एक्साइटोसिस होता है, स्टेरॉइड में डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल से आ जाता है। सो हम लोगों ने वो देखा। तो आज का हमारा है हार्मोन सिक्रेशन में, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन कैसे कैसे काम करते हैं वो देखना है हम लोगों को। सो पहला आता है हार्मोन सिक्रेशन, ठीक है। सो इसमें क्या है, स्टिमुलस के बाद, इसमें बेसिक क्वेश्चन है कि हार्मोन सिक्रेशन हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, स्टिमुलस के बाद वो हार्मोन सिक्रेट कब होगा, उसका एक्शन का ड्यूरेशन कितना होगा, मतलब जैसे कि स्टिमुलस मिल गया, ठीक है, सो वो हार्मोन सिक्रेट कब हुआ, अगर सिक्रेट हो भी गया तो उसका काम कब शो करेगा, तो ये सब हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसका बेसिक लाइन क्या आता है, डिफरेंट हार्मोन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स ओन ड्यूरेशन, मतलब अलग अलग हार्मोन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपने अपना ड्यूरेशन होता है, मतलब कोई एक हार्मोन दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखा, आप देख सकते हो, पहला इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये मैंने आपको बताया कि अमीन डेरिवेटिव होता है, ठीक है। सो इसमें अगर इसको स्टिमुलस मिल गया, जैसे कि हमारे में सपोज कमी हो रही है, तो उसको स्टिमुलस मिलेगा कि अब इसको सिक्रीट करना है, तो जब इसको स्टिमुलस मिलेगा तो ये सिक्रीट तुरंत हो जाएगा, मतलब स्टिमुलस मिलने के जस्ट थोड़े सेकंड के बाद ये सिक्रीट भी हो गया एंड ये अपना पूरा एक्शन कुछ मिनटों में या फिर कुछ सेकंड में शो कर देगा। इससे आपको ये पता चला कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन स्टिमुलस के बाद बहुत ही जल्दी अपना इफेक्ट शो कर देगा। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल, ग्रोथ हार्मोन एंड थायरोक्सिन, ये अपना फुल इफेक्ट देने में 1 मंथ का टाइम लेता है। सो आपको इसमें पता चल रहा है कि इसमें मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन में कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट लग रहे हैं, जबकि इसमें 1 मंथ लग रहे हैं। तो आप इससे बता सकते हो कि अलग अलग हार्मोन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एंड अलग अलग ड्यूरेशन होते हैं उसके काम करने के एंड उसके सिक्रेशन के इफेक्ट के। अब दूसरा आता है हमारे ब्लड में उसका कंसंट्रेशन कितना होता है, ठीक है। सो हमारे ब्लड में उसका कंसंट्रेशन बहुत ही स्मॉल होता है, अप्रॉक्स 1 पिकोग्राम। 1 पिकोग्राम को आप 10^-12 ग्राम भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन होता है अप्रॉक्स 1 पिकोग्राम टू कुछ माइक्रोग्राम, डेट इज 10^-12 ग्राम टू 10^-6 ग्राम, ये इसका रेंज होता है, ठीक है। ये जो इसका रेंज कितने ml के ब्लड में, तो ये इसका रेंज 1 ml ऑफ ब्लड में। तो ओवरऑल ऐसे याद रखना, कंसंट्रेशन इन ब्लड में बहुत कम होता है, कितना, अप्रॉक्स 1 पिकोग्राम टू 1 up to few microgram इन 1 ml ऑफ ब्लड। अब आता है रेट ऑफ इट सिक्रेशन, इसका जो रेट भी बहुत ही कम होता है, मतलब सिक्रेशन का रेट दिन में, एक दिन में 10^-6 या फिर 10^-3 ग्राम एक दिन में सिक्रेट होता है, उसका ये रेट होता है, मतलब आप बोल सकते हो माइक्रोग्राम और मिलीग्राम पर डे, इसका ये रेट होता है, मतलब आप देख सकते हो कंसंट्रेशन और रेट इसका कितना कम है इस हार्मोन का। अब पढ़ेंगे हम लोग फीडबैक कंट्रोल, ठीक है। फीडबैक कंट्रोल का बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि कोई भी हार्मोन हमारे बॉडी में ज्यादा हो रहा है, ठीक है, उसके कंट्रोल करना, उसका मतलब उसको कम करना, कि उसका सिक्रेशन अब कम कर दो, हमारे बॉडी में उसका अमाउंट ज्यादा हो रहा है, तो वो सब जो कंट्रोल होता है वो फीडबैक मैकेनिज्म से होता है, ठीक है। तो बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह का होता है, एक नेगेटिव फीडबैक और एक पॉजिटिव फीडबैक। तो पहले हम लोग नेगेटिव फीडबैक देखेंगे। नेगेटिव फीडबैक हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो मोस्टली रेगुलेट होते हैं बाई नेगेटिव फीडबैक की मदद से। तो नेगेटिव फीडबैक का पहला पॉइंट क्या है, प्रिवेंट ओवर एक्टिविटी ऑफ हार्मोन सिस्टम। जो भी हार्मोन सिस्टम को बहुत ज्यादा वो एक्टिविटी कर रहा है, ओवर एक्टिविटी कर रहा है, उसको सबसे पहले तो वो बंद करता है, प्रिवेंट करता है। फिर मैंने अभी कुछ बताया, मोस्टली टू मेंटेन अ प्रॉपर सिस्टम इट इज यूज, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक ही हमारे पूरे बॉडी को मेनली रेगुलेट करता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप केसेस देखोगे तो उसमें नेगेटिव फीडबैक का ही अप्लाई हो रहा है, इसलिए बोला गया कि प्रॉपर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये यूज किया जाता है। अब इसमें बता रहे कि काम कैसे करता है, जैसे हार्मोन है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है हार्मोन का, वो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट दिया वो, कि अगर सपोज ज्यादा हो गया तो वो नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट दिया, उससे क्या होगा, जो हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा था, ओवर सिक्रेशन हो रहा था, वो स्टॉप हो जाएगा। या फिर क्या करेगा, जैसे कि सपोज हार्मोन तो उतना ही रिलीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो टारगेट टिश्यू में जब वो जा रहा है तो उसका एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा शो कर रहा है, मतलब वो ओवर एक्टिविटी कर रहा है टारगेट टिश्यू, तो या तो वो उस हार्मोन के सिक्रेशन को ही, ओवर सिक्रेशन को बंद करेगा, या फिर जो ओवर एक्टिविटी हो रहा है टारगेट टिश्यू का वो बंद करेगा, ये दोनों में से कोई एक स्टेप करेगा, किसमें, नेगेटिव फीडबैक में। अब हम लोग देखेंगे क्या, एक और पॉइंट क्या है, इट्स नॉट ओनली डिपेंड अपन सिक्रेटरी रेट ऑफ हार्मोन बट डिग्री ऑफ एक्टिविटी ऑफ टारगेट टिश्यू। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये सिर्फ हार्मोन के सिक्रेशन को ही स्टॉप नहीं करता, जबकि टारगेट टिश्यू की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है, इसका मतलब वही बोल रहा है कि ये सिर्फ सिक्रेटरी रेट ऑफ हार्मोन को ही पे डिपेंड नहीं करेगा, जबकि ये टारगेट टिश्यू का क्या एक्टिविटी होगा, अगर वो ओवर एक्टिविटी होगा तो उसको स्टॉप करेगा। तो इसमें मतलब ये लाइन में यही बता रहा है। अब एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे कि सपोज टारगेट टिश्यू का एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है,
मतलब वो ज्यादा से ज्यादा हॉर्मोन सीक्रेट कर रहा है, मतलब वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो क्या करेगा, उससे जब ये एक्टिविटी बढ़ेगा तो वो फीडबैक भेजेगा किसको, उस ग्लैंड को जहां से वो हॉर्मोन सीक्रेट हो रहा था, ठीक है, वो भेजेगा। तो वो क्या करेगा, सीक्रेशन स्लो कर देगा, कि मतलब जो हॉर्मोन का जो सीक्रेशन हो रहा है वो स्लो कर देगा, स्लो किया, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, जो फीडबैक जो होता है वो सारे लेवल पे होता है, मतलब हर लेवल पे। हर लेवल का मतलब जैसे कि हम लोग जानते, सपोज कि मैं एग्जांपल लेती हूँ प्रोटीन वाले हॉर्मोन का, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब जिसका जो केमिकल स्ट्रक्चर वो प्रोटीन वाले होता है। तो प्रोटीन में क्या क्या काम आएगा, सबसे पहले तो डीएनए से आरएनए बनेगा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन होगा। सो वो एक लेवल हो गया, जैसे जीन ट्रांसक्रिप्शन इज अ लेवल, जीन ट्रांसलेशन इज अ लेवल। सो वो इसलिए बोल रहे हैं फीडबैक हर लेवल पे होता है। कैसे, जैसे कि जीन ट्रांसक्रिप्शन मैंने बोला एक लेवल हो गया, जीन ट्रांसलेशन स्टेप, इसको तो मतलब इसको भी वो अफेक्ट कर सकता है। सिर्फ ये नहीं कि वो उसका सेक्रेशन को ही रुकेगा, जैसे कि वो बन रहा है आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, तो वो उसको भी वो रेगुलेट करता है, कौन, वो फीडबैक मैकेनिज्म। या फिर वैसे वैसे स्टेप्स जो इन्वॉल्व किसमें होते हैं, उस हार्मोन के सिंथेसिस में, उसके प्रोसेस में, या फिर जब वो रिलीज हो रहा है हार्मोन वहां पे। इसका मतलब ओवरऑल बोल सकते हो, कोई भी हार्मोन का सेक्रेशन या फिर कोई भी हार्मोन का या फिर टारगेट टिश्यू का जो एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है, तो वो नेगेटिव फीडबैक भेजेगा, ठीक है। और वो जो नेगेटिव फीडबैक है वो कहाँ कहाँ अफेक्ट करेगा, सबसे पहले डीएनए से आरएनए में, मतलब जीन ट्रांसक्रिप्शन, फिर जीन ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनाने में, या फिर उसका सिंथेसिस हो रहा है वो उसके प्रोसेस में, मतलब उस हार्मोन के प्रोसेस में क्या क्या काम हो रहा है उसको भी वो अफेक्ट करेगा। और फिर लास्ट क्या है, जब वो हार्मोन रिलीज होगा सो उसको भी वो अफेक्ट करेगा, कौन, नेगेटिव फीडबैक। जैसे कि सपोज अगर हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करेगा, वो नेगेटिव फीडबैक भेजेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो वो नेगेटिव फीडबैक भेज के उस हार्मोन के जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल वो कर सकता है। देखेंगे हम लोग पॉजिटिव फीडबैक, जैसे कि हम लोगों ने नेगेटिव फीडबैक देखा तो अब हम लोग पॉजिटिव फीडबैक देख रहे हैं। सो ये कब होता है, ये इट अकर व्हेन बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ हार्मोन कॉज एडिशन सेक्रेशन ऑफ हार्मोन, मतलब कोई भी एक्शन, कोई भी हार्मोन का एक्शन जो हमारे बॉडी में हो रही है उसकी वजह से उस पर्टिकुलर हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, उसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया एल ए सर्ज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको समझ में आता है कि पॉजिटिव फीडबैक होता क्या है। सो एल ए सर्ज ओव्यूलेशन के टाइम पे होता है, जैसे कि कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, सो उसका फर्स्ट डे पे मेंस्ट्रुएशन आया, सो उसके 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन का मतलब रिलीज ऑफ एग, ठीक है। सो ये ओव्यूलेशन होता कैसे, जब तक हमारे बॉडी में, मतलब कोई भी फीमेल की बॉडी में LH मतलब लुटिनाइजिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होगा तब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा। सो ओव्यूलेशन के लिए मेनली LH सर्ज होना जरूरी है, ठीक है। सो ये होता कैसे, LH सर्ज मतलब LH की क्वांटिटी हमारे बॉडी में बढ़ती कैसे, तो ये क्या होगा, स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी बिफोर ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेशन के पहले एस्ट्रोजन का स्टिमुलेटरी इफेक्ट होगा, मतलब एस्ट्रोजन एंटीरियर पिट्यूटरी पे स्टिमुलेट करेगा जिससे कि एंटीरियर पिट्यूटरी से LH का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। जैसे कि आप देखो, मैंने आपको बताया था हाइपोथैलेमस से 6 हार्मोन निकलते, उसमें से एक हार्मोन होता क्या है, GnRH मतलब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। सो उससे निकला सिक्रेटर LH मतलब लुटिनाइजिंग हार्मोन निकला, फिर ये जो LH है वो जाएगा ओवरीज में, वो अफेक्ट करेगा, उसके अफेक्ट से एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होगा, ठीक है। एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन है, उससे उसका सिक्रेशन होगा, फिर ये एस्ट्रोजन वापस वो LH को सिक्रेशन को वो बढ़ाता है, ठीक है, मतलब कि वो LH का सिक्रेशन बढ़ेगा। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे सिक्रेट LH आया, फिर वो ओवरीज में गया, फिर वो एस्ट्रोजन को सिक्रेट किया, एंड देन वो LH को बढ़ेगा। सो ये साइकिल चलती रहती है, एंड ये साइकिल जब तक चलती रहती है जब तक वो अप्रोप्रिएट कंडीशन कंसंट्रेशन नहीं हो जाए। अप्रोप्रिएट कंडीशन हो गया मतलब एक लेवल तक वो कंसंट्रेशन आ गया, उसके बाद वो LH सर्ज हो जाएगा, देन ओव्यूलेशन हो जाएगा, एंड इसके बाद मतलब एक प्रॉपर क्वांटिटी के बाद वो LH हार्मोन वो बढ़े नहीं, उसके लिए नेगेटिव फीडबैक फिर होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके आप देख सकते हो कि नेगेटिव फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी को मेटाबॉलिज्म में कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको पॉजिटिव पढ़ाया, तो पॉजिटिव में आपने देखा LH बढ़ रहा है, बट LH को एक मैक्सिमम लिमिट तक ही बढ़ाना है, उसके आगे उसको स्टॉप करने के लिए नेगेटिव फीडबैक का होना जरूरी है। सो आपको होप आई थिंक समझ आया होगा पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक में डिफरेंस। सो आज के लिए बस इतना ही, जैसे कि आज हम लोगों ने देखा हार्मोन का सिक्रेशन, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन इन ब्लड एंड देन क्लियरेंस। सो आज के लिए बस इतना ही, सी यू, एंड हाँ, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सी पार्ट अच्छी लगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।